अवतार के 3D और मोशन कैप्चर सिस्टम या परफॉर्मेंस कैप्चर सिस्टम की सभी तारीफ करते हैं, लेकिन इस टेक का सबसे पहले यूज़ किसने किया और किसने इसे इन्वेंट किया, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए तुम सभी को वीडियो एंड तक देखना होगा। और हमें अपने ज्ञान के हिस्ट्री को वक्त में पीछे लेके जाना होगा 1915 में मैक्स फ्लेसर के पास, जिन्होंने पपॉय और बेटी बूप जैसे फेमस कार्टून शोज को बनाया था। और इन्होंने रोटोस्कोपिंग टेक्निक को इन्वेंट किया और अपने भाई के क्लाउन पहने हुए कॉस्ट्यूम के फुटेज को यूज़ करके कोको द क्लाउन बनाया, जो फर्स्ट मोशन कैप्चर्ड एनिमेटेड कैरेक्टर था। और यहीं से मोशन कैप्चर की शुरुआत हुई। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने स्नो वाइट में रोटोस्कोपिंग टेक्निक का यूज करके फर्स्ट फुल लेंथ मोशन कैप्चर्ड एनिमेटेड मूवी बनाया। इस मूवी को 1937 में 21 दिसंबर को प्रीमियर किया गया। इसके बाद 1915 में एनिमेटर ली हैसिन थर्ड ने मोशन कैप्चर सूट को डेवलप किया। मोकैप सूट की मदद से कैरेक्टर के मूवमेंट को मॉनिटर में तुरंत ही शूटिंग के साथ साथ एक रफ एनिमेशन में बदल दिया जाता था। मोकैप सूट को और भी डेवलप करने में 2 डिकेड्स लगे। फिर 1999 में फर्स्ट सीजी कैरेक्टर जार स्टार वॉर्स द फैंटम मेंस में दिखा, जिसका मोशन कैप्चर अहमद बेस्ट ने दिया था। इससे भी बेहतर सीजी एंडी सर्किस के कैरेक्टर गोलम का था। इस कैरेक्टर का मोकैप इसलिए भी बेस्ट था कॉज फर्स्ट टाइम सीजी कैरेक्टर को और सभी रियल कैरेक्टर के साथ शूटिंग किया जा रहा था। 2004 में आई द पोलर एक्सप्रेस फर्स्ट मूवी थी, परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्नोलॉजी पे बनी थी। ऑल्दो स्टार वॉर्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी इसका यूज हुआ था, लेकिन कभी पूरी मूवी बनाने के लिए फर्स्ट टाइम द पोलर एक्सप्रेस में ही इसका यूज किया गया। मोकैप के इतने सारे डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के बाद जेम्स कैमरन का यह कहना था कि अवतार के लिए अभी भी ऐसी कोई टेक नहीं है जो उसके वर्ल्ड बिल्डिंग को दिखा सके, इसीलिए उन्होंने एक ऐसे कैमरे का इन्वेंशन करवाया जो रियल टाइम में कैरेक्टर के परफॉर्मेंस को 3D CGI में कन्वर्ट कर दे, साथ ही पेंडोरा के एनवायरनमेंट को भी। वे ऑफ वाटर के लिए एक और कैमरे का इन्वेंशन किया गया जो पानी के अंदर और अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। साथ ही 200 से ज्यादा इक्विपमेंट का इन्वेंशन किया गया जो अवतार वे ऑफ वाटर में यूज किया गया और आने वाले इसके पार्ट्स में यूज किया जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड 4 या 5 फन फैक्ट और है जिसे मैं शॉर्ट फॉर्मेट में अपलोड करूंगा। अगर आप लोग उसे देखने में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो